इसको ऐसे क्यों निकाल दी भैया, इसको नहीं लगाएंगे क्या? ये नहीं नहीं भैया, ये पौधा बड़े हैं, इस पौधा लगाए से मक्का नहीं आता, इसको ये फेंक देंगे या कुछ गाय बैल को खवा देंगे। अच्छा, तो फिर क्या लगाओगे भैया? जैसे छोटे वाले पौधा है भैया, ये छोटे वाले पौधा है तो लगाना है तो ये इसको ऐसे उखाड़ा जाता है, इसको मिट्टी से ही उखाड़ा जाता है भैया। हाँ, जैसे ये खाली जगह है, ये खाली जगह में थोड़ा सा ये मिट्टी निकाल के गड्ढा करके इसके ये खाली जगह में भैया इसको लगा दिया जाता है, जहाँ जहाँ खाली है। हाँ, जैसे बारिश नहीं हुए, बारिश न होने की वजह से जैसे पौधा लगाना है, बारिश नहीं है तो हम तुरंत पानी डाल देते हैं। ये पानी डाल दिए। हाँ, ये जैसे अभी ये छोटा पौधा लगा के बताए जहाँ खाली है जगह, तो अब हमको छोटा पौधा नहीं मिलता तो हम जैसे अब बीज भी लगा के दिखा सकते हैं अपन, एक एक बीज के अंतराल में, यह जगह खाली है, यह जगह में भी अपन बीज डाल दें, खाली है यह जगह में भी बीज डाल दें, यह जगह खाली है यह जगह में बीज डाल दें, ऐसे करके भैया जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ सभी जगह लगा देना पड़ता है। हाँ भैया, जहाँ जहाँ खाली जगह है, ये छिड़का के समय में भैया कहीं कहीं बीज इकट्ठे गिर गए थे, कहीं कहीं बीज गिर नहीं पाए, जहाँ जहाँ खाली जगह है भैया तो अपन फिर से जैसे खाली जगह है हर जगह में अपन देख देख के ऐसे बीज लगा। मक्का के बारे में जो घने के विषय में जो बताए हैं और दिखाए हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये दूरी से जो लगवाए हैं, ये अपने गांव के सभी किसान अगर इसी तरह से खेती करें तो दूरी की वजह से उनको हवा प्रकाश और ये इनकी बढ़वार अच्छी होगी और ये मजबूत रहेंगे और उपज भी ज़्यादा मिलेगा। ये मक्का की खेती के बारे में जो जानकारी दी है समय निकाल करके, और हमको भी इसके विषय में जानकारी हो गया। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम भैया।